हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बायो एंजाइम के बारे में बात करने वाली हूँ कि बायो एंजाइम क्या है और ये कैसे बनता है और इसका क्या यूज है। तो देखिए, मैंने 5 बॉटल में बायो एंजाइम बनाया है और ये लगभग 4 महीने, 3.5 या 4 महीने हो गया है फ्रेंड्स। तो ये फ्रूट जो हम खाते हैं फ्रेंड्स, उसका छिलका है और उसे आप फेंकिए नहीं और उसी से आप बायो एंजाइम बनाइए। फ्रूट से भी बना सकते हैं, वेजिटेबल से भी बना सकते हैं और कई तरह से ये बनता है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने जो बनाया है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने संतरे का बायो एंजाइम बनाया है, ये देखिए आप देख सकते हैं, संतरे के छिलके का है ये देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए, और एक मैंने चुकंदर का बनाया है फ्रेंड्स, ये देखिए इसके कलर से ही थोड़ा डार्क कलर है, ये चुकंदर का है फ्रेंड्स। तो अभी तो मैंने ये 5 ही बनाया है और आगे मैं और बनाऊंगी। और पहली बार मैंने बनाया है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बायो एंजाइम क्या है। तो ये फ्रेंड्स, जो हम फल खाते हैं उसी का छिलका है और इसी का मैंने यूज किया है और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सारे इसमें हैं। और इसे बनाना कैसे है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम इतना आप पानी लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए, और 12 ग्राम लगभग गुड़ लीजिए और जिस चीज़ का बनाना है उसका छिलका लीजिए फ्रेंड्स। और आप लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं, सब्जियों का अलग से बना सकते हैं, संतरे का फ्रूट मिक्स का अलग से बना सकते हैं। और पेस्टिसाइड बनाना है तो आप लहसुन प्याज अदरक मिर्च का बना सकते हैं, तो मैं उसका बनाऊंगी। जब भी पेस्टिसाइड बनाऊंगी तो मैं आपसे वो शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो ये मैंने फ्रूट के छिलके का बनाया है। तो बस हमें 3 चीज़ ही लेना है इसके लिए बनाने के लिए, पानी, गुड़ और जिस चीज़ का हमें बनाना है फ्रेंड्स। तो रेशियो इसका फ्रेंड्स बस यही है, इतना ऊपर से पानी को छोड़ दीजिए ताकि इसको हम हिला के तैयार कर सकें। और लगभग 12 ग्राम गुड़ लीजिए और पानी, और कम से कम 3 हिस्सा जिसका बायो एंजाइम बनाना है वो छिलका होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये देखिए कैसे हम समझेंगे कि बन गया, तो ये देखिए नीचे बैठ जाता है जब ये तैयार हो जाता है। और इसका जो ये ढक्कन है इसे आप खोल खोल के एक दिन गैप कर कर के, ये देखिए इसे थोड़ा सा इसके गैस को रिलीज करना है। और मैं थी नहीं तो ये काम तो बहुत कम ही हुआ है वैसे, जब तक मैं थी मैं इसका गैस रिलीज एक दिन बीच करके करती रहती थी और बाद में 20 दिन पे, 1 महीने पे फिर करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। और जब भी इसको बनाइए फ्रेंड्स तो प्लास्टिक की बॉटल में ही बनाइए, क्योंकि शीशे का या किसी और चीज़ का होगा तो वो टूट सकता है। और ये भी प्लास्टिक का भी फट जाता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप करिए। और जब भी इसको इसका गैस को रिलीज करिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आराम से मुंह से दूर रख के करिए, नहीं तो पूरा मुंह पे ही जाके गिर भी सकता है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही हेल्दी बायो एंजाइम है हमारे प्लांट्स के लिए और इतना इसका अच्छा खुशबू है फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकती। तो इसका यूज हमें कैसे करना है फ्रेंड्स अभी मैं बताऊंगी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना इसे लेना है और कितना पानी में डालना है और प्लांट्स में कैसे देना है। तो ये 5 मैंने बनाया है और मैं ढेर सारे बनाऊंगी, और बनाना बहुत ही आसान है जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3 चीज़ की ही ज़रूरत है। और ये मार्केट में 100 रुपये लीटर फ्रेंड्स मिलता है, बहुत महंगा भी मिलता है, तो आप घर में ही बना लीजिए, क्योंकि हम सारे को फेंक ही देते हैं या तो फिर फर्टिलाइज़र उसका यूज करके प्लांट में डालते हैं फ्रेंड्स। तो फर्टिलाइज़र तो फ्रेंड्स हम 2 दिन रख के बना के डाल देते हैं, लेकिन इसे हम 2-3 साल से भी ज़्यादा रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, जैसे वो मार्केट से हम जामुन का और
गन्ने का और बाकी फ्रूट का जो सिरका लाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बिल्कुल वैसे ही इसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, दिखा देते हैं छान के थोड़ा सा। ये देखिए इतनी खुशबू अच्छी आ रही, जैसे लग रहा है कि ये संतरे का जूस है फ्रेंड्स। ये देखिए देखिए आपको क्या लग रहा है, कितना अच्छा इसका कलर आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी खुशबू कैसी है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू है। और अब मैं आपको पानी का रेशियो बताती हूँ कि इसमें कितना पानी लेना है और हमें इसे कितना डालना है। तो अगर मैंने इतना पानी लिया है, ये देखिए, और इसमें मैं कोई चीज़ नापने के लिए तो नहीं लिया, अंदाज से ही, ये देखिए इतना था तो मैंने इतना डाला है। और अब इसका कलर देखिए ऐसा हुआ है, और इसका कलर देखिए ऐसा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने प्लांट्स में फ्रेंड्स इसको स्प्रे करेंगे और प्लांट की जड़ में भी देंगे, तो ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फ्रेंड्स। और अब चलिए मैं आपको संतरे का, तो वो था फ्रेंड्स संतरे का। और ये देखिए अब मैं चुकंदर का आपको दिखा रही हूँ। और ये वाला चुकंदर का है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चुकंदर का हमने लिया है और थोड़ा सा मैंने इसे, ये देखिए ऊपर से ऐसे करके सेक कर दिया, हिला दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये जम गया है फ्रेंड्स। तो ये देखिए चुकंदर का ये है, देखिए इसका भी कितना खूबसूरत, कितना अच्छा कलर आया है। तो अब इसमें भी हम, ये तो बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें कैसे डालना है फ्रेंड्स। तो बस इतना हमें पानी लेना है और इसे भी उसी तरीके से हमें, देखिए इस तरीके से मिला देना है और अपने सभी प्लांट्स को दे देना है फ्रेंड्स। तो स्प्रे भी आप कर सकते हैं और आप इसके जड़ में प्लांट में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस बायोएंजाइम आपने देख लिया कि बनाना कितना आसान है और इसका कितना अच्छा यूज है हमारे प्लांट्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। जितने भी सारे प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हमारे बायोएंजाइम में है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रूट का छिलका है फ्रेंड्स। और आप चाहें तो गुलाब की पत्तियों से भी बना सकते हैं, गुलाब के सॉरी फूल से, तो मैं बनाऊंगी गुलाब के फूल से, तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। और एक इसका यूज और है फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा ये जैसे है, एक बाल्टी में इसका एक ढक्कन डालिए और पूरे घर में अपने सफाई क्लीन करवाइए, घर को पोछा लगवाइए और किचन प्लेटफॉर्म को भी, कहीं पे भी सफाई करना है इससे आप करिए, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ये बहुत ही अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। और इसको अगर आपको फास्ट बनाना है ना, अगर आपको जल्दी चाहिए कि हमें 3 महीना में नहीं, हमें 1 ही महीना में बनाना है, तो सेम बस वही सभी चीज़ को डालना है और बस ये जो बना हुआ बायोएंजाइम है इसको थोड़ा सा उसी मिला देना है फ्रेंड्स, कम से कम इतना, तो वो बहुत जल्दी उसका जो बनने का प्रोसेस है बहुत जल्दी फास्ट होगा और वो बहुत जल्दी से बन जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप बायोएंजाइम को बनाइए और अपने घर से किसी भी चीज़ को फेंकिए नहीं, और किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं, और जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगी नहीं कि क्या चीज़ है, कैसा है, और जब बनाएंगे तभी पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और ये कितना अमृत है प्लांट्स के लिए फ्रेंड्स। तो मैंने पहली बार बनाया है और पहली बार आपको, आपसे शेयर किया है फ्रेंड्स।
और जब मैंने बनाया था तभी एक बार आपको दिखाया था, पहला वीडियो मेरा जा चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो मैं बना रही थी तो तभी मैंने आपसे शेयर किया था फ्रेंड्स। और ये आज बन के तैयार हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स कि कैसे बनता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, इसे मैंने ये जो चुकंदर का है तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा किया है। तो देखिए, जो चुकंदर का जब हम जूस बनाते हैं तो उसका ये जो गुदा वगैरह है सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया था, कि बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। तो बस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कुछ भी अगर आपके मन में रहता है, कोई भी सवाल, तो आप ज़रूर पूछिए, ज़रूर हमें बताइए, जो हमें जानकारी नहीं हो वो भी बताइए। तो कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं आगे से और भी अच्छा करूँ फ्रेंड्स। तो बस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।